दोबारा बोलो। कक्षा षष्ठ संस्कृत तीसरा पाठ अस्माकं परिवेशः कल पढ़ाया था, उसके आगे इदम् उपवनम् ग्रामात् बहिः अस्ति, यह बगीचा गांव से बाहर है। जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, लोग घरों से यहाँ आते हैं। उपवन रक्षकः कूपात् जलम् आनयति, उपवन रक्षक कुएं से जल लाता है। सह जलेन वृक्षान् च सिंचति, और वह जल से वृक्षों को सींचता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति, जब फल पक्वानि माने पके, भवन्ति माने होते हैं, तदा तानि वृक्षेभ्यः अपतन्ति, तब वे वृक्षों से गिरते हैं। सह उपवनात् फलानि आपणं नयति, वह बगीचे से फलों को बाजार ले जाता है। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति, लोग उन फलों को बाजार से घर ले जाते हैं। इदम् एकं सुंदरम् उद्यानम् अस्ति, यह एक सुंदर बगीचा है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति, जब प्रातः काल सूर्य का प्रकाश होता है, तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति, तब प्रकाश से बगीचे की शोभा होती है। भ्रमराः पुष्पाणाम् उपरि गुञ्जन्ति, भौंरे फूलों के ऊपर गूंजते हैं। कोकिलाः वृक्षाणाम् उपरि कूजन्ति, कोयल वृक्षों के ऊपर बोलती हैं। संजीवस्य माता उद्यानं रक्षति, संजीव की माता बगीचे की रक्षा करती हैं। पादपान् सिंचति, और वृक्षों को सींचती हैं। प्रातःकाले वयम् उद्यानं गच्छामः, प्रातःकाल हम सब बगीचे में जाते हैं। उद्याने जनाः विचरन्ति, बगीचे में लोग घूमते हैं। उद्याने वटः आम्रः, बगीचे में वट माने बरगद, आम्र माने आम, निम्ब माने नीम, अश्वस्था माने पीपल, अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति, और अन्य भी बहुत से वृक्ष हैं। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति, पक्षी वृक्षों में निवास करते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, वृक्षों में पके हुए फल हैं।